और बाकी ये देखो, ये सारे भाई लोग हमारे आ चुके हैं और इनको हम 3 घंटे से फोन लगा रहे हैं, भाई इनका कॉल नहीं उठ रहा है। ये तुम्हारा 3-3 राउंड कैसे ले गया? ये देखो भाई, हमारे अरुण भाई और बाकी ये हमारे अर्जुन भाई, बाकी फुल सेटअप में हैं। हाँ, और बाकी भाई लोग आ चुके हैं और अपनी बाइक लेके इधर की साइड में, और अभी मेरे पास में देखो बाइक नॉर्मली है, बाकी इधर अर्जुन भाई के पास में मैं पहले ही आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि 125cc की बाइक है और नॉर्मली राइड के हिसाब से तुम लोग यार बहुत गलत आदमी हो। मडगार्ड तुम लोग खोल के लाए हैं और मडगार्ड पीछे पीछे घूमो, पीछे घूमो पहले। हाँ, पीछे कुछ नहीं है, देखियो पीछे देखियो, इधर इधर दिखा, इधर इधर दिखा मुझे, इधर दिखा। देखो भाई कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये देखो कुछ भी नहीं है। और बाकी अपनी राइड को करते हैं यहाँ से स्टार्ट, और बाकी गाइस यहाँ से चलते हैं। और ये देखो भाई, ये लड़की देखो पागल है। और अभी गाइस ये मान के चलो कि लगभग टाइम अभी हुआ है 7:45 का, ठीक है, कॉलेज की तरफ पहले तो चलेंगे यहाँ से। बाकी ये हमारा GS पब्लिक स्कूल, ये देखो कहाँ है बच्चे, कहाँ है, हैं अभी हैं, अभी दिख रहा है, कहाँ है सब बच्चे, कहाँ है, नहीं है, थोड़े थोड़े बच्चे इकट्ठे हो पाए। और नमस्ते, और ठीक, घूमने कहीं पे, हाँ और बढ़िया, हाँ हाँ और ठीक है। और बाकी आज रिएक्शन वगैरह जो भी होंगे ना, वो प्रॉपर आपको तो वीडियो में देखने को मिलते ही रहेंगे। और इधर की साइड से नॉर्मल आप मान के चलो कि हम लोग निकल के जाएंगे पब्लिक के एरिया से। अभी देखना इधर देखो ऑडियंस, ये क्या हुआ, और ठीक है, कहाँ स्कूल, और भाई ये देखो ये अपने छोटे से सब्सक्राइबर लोग, कहाँ, थैंक यू भाई, कितना टाइम स्कूल है, 8 से, तो सही, तो अभी टाइम नहीं हुआ ना, अभी बचा है, ये अभी घर पे है। आज हम लोग इससे हम तीनों लोग पूरे सेटअप के साथ जा रहे हैं, ठीक है, मिलते हैं। और यहाँ मार्केट में भाई सिर्फ लोगों के रिएक्शन ही मिलेंगे, और ठीक है, अरे वाह, परेड में भी बच्चों का रिएक्शन है ना बहुत तगड़ा मिलता है। आज फुल टू तबाही करेंगे हम लोग मस्ती के साथ, थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए थे, वैसे तो हम लोगों को कॉलेज में बच्चे वगैरह मिल ही जाते। और अभी जस्ट हमारा नवोदय पब्लिक स्कूल, वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट मान के चलो नॉर्मली, बस कहें कि बीच बीच में आप ये मान के चलो कि ये वाले ट्रैक है ना, यही थोड़ी दिक्कत करते हैं, और बाकी फुल रोड हमारा ये मान के चलो कि पूरा रेडी है। और अभी मॉर्निंग के आप मान के चलो कि लगभग 8 बजे हैं, ठीक है, और स्कूल के बच्चे वगैरह हैं वो तो आप ये मानो कि वो लोग पहुंच चुके हैं अंदर, तो इसलिए हम लोगों को ज्यादा रिएक्शन वगैरह है ना वो नहीं मिल पाए। बाकी इधर अपने अर्जुन भाई और पीछे हमारे अरुण भाई, ये देखो, और ये साइड अगर हम लोगों की साइड में होती गलती से कहीं अगर जरा सा भी दब जा रहे तो भाई और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, क्योंकि भाई हम बाइकर्स हैं ना, बहुत ज्यादा बदनाम है आप ये मान। और बाकी इधर की लोकेशन हमारी आप मान के चलो कि हम लोग आ गए हैं कसरक में, और कसरक में पहले तो ये वाला पूरा रोड है ना क्रॉस करते हैं, और भाई जल्दी से ना ये वाला पूरा रोड यहाँ से लेके वहां तक का बन जाए, फिर इससे ये दिक्कत नहीं है ना कि हमें नीचे फाटक पे रुकना पड़ेगा, टाइम लगेगा, वो सीन नहीं होगा इसके साथ। अब जाके पानी भाई सूखा है इसके अंदर और शायद थोड़ा भी पानी निकाला भी गया है, और थोड़ा स्लो चलते हैं क्योंकि भाई आगे ना ट्रेन भी आ गई है, ठीक है। देखो भाई रिएक्शन चेक करो बच्चों के, ये देखो ऐसे रिएक्शन, बस धीरे धीरे करके हम लोग ऑटो वाले भैया का रिएक्शन सामने देखो, ये देखो 8-20 तो सही है, 20 मिनट और लगेंगे वहां तक, हमें खुद लग रहा है। और भाई देखो एक की बात थी तो एक और आ गई है, अभी हम लोग ना फिर से यहाँ पे गिर गए, क्योंकि बस ये मैं यही सोच रहा हूँ ना कि ये वाला ट्रैक बन जाए पूरा। बाकी मुझे लग रहा है पता नहीं क्या तीसरी वाली निकालने को आ जाने क्या, और है क्या एक, कैसे यार शीशे रख रहा हूं तुम्हें, एक और है, भैया शायद बुला रहे हैं मेरे को, अरे मैं ये कर रहा, एक और आ रही है क्या, मैं ये कर रहा, एक और आ रही थी क्या, ना गाड़ी ना आ रही यार, चाबी सिस्टम ना 2 मिनट बाद स्टेशन जा, चाबी आ, जब चाबी आ तभी फाटक खोल, अच्छा 2 मिनट बाद, हाँ, अरे कभी कभी तो हम देखते हैं ट्रेन निकल पाती खुल जाती है, ना ना यार ऐसा है ना जब से स्टेशन शिफ्ट हुई, हाँ हाँ चाबी तो है, हाँ हाँ यानी कि उधर से अलाउंस पूरा हो गई है, पूरा सिस्टम रूट बना हुआ है,
अच्छा कोई नहीं भाई, तो हम सोच रहे एक और आ रही तभी आप रुके हुए हो। कोई नहीं कोई नहीं, थैंक यू भाई। ये देखो अब लोग जो बैठे होंगे ना वो ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं मैंने जाके खुलवा दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो सिस्टम था तो भैया ने बताया था कि 2 मिनट के बाद में उसकी चाबी है ना ऑटोमेटिक, मतलब वहाँ से जब स्टार्ट होती है ट्रेन जाने के आफ्टर 2 मिनट बाद। अभी पीछे हमारे थाने के भैया एक लोग आ रहे हैं तो उनको पहले निकलने देते हैं, क्योंकि यार आपको पता है ना मैं नहीं चाहता कि यार जो वैल्यूएशन बनी हुई है, जिन लोगों को पता है कि भैया लोगों को हमारे थाने में कि हाँ मैं बाइक स्टंट वगैरह करता हूँ तो सही है, जिनको नहीं पता है तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी उनको अननोन ही रहने देते हैं। चलो ये निकल जाने दो, भाई बच्चों का रिएक्शन देखो, ये देखो ये देखो भाई ऐसे रिएक्शन मिलते हैं। हाँ चलो फिर एक बार रिएक्शन को ना रिकॉर्ड करते हैं रिएक्शन। हाँ ये देखो भाई ये देखो भाई ऐसे ही ना फुल पावर मिली आपको धीरे धीरे करके हमारे अकाउंट पे मिलती रहेंगे, बाकी हमारे पीछे भाई लोग है ना वो रिएक्शन धीरे करके रिकॉर्ड करते ही रहेंगे। मेरे को मैंने जो माउंट स्ट्रीम मंगाया ना तो उससे ये होगा थोड़ा सा नॉइस का सीन है ना वो बच जाएगा। सो हे गाइस ना पर्सन लेट्स बैक बहुत क्यूट क्यूट रिएक्शन भाई मिलते हैं। नहीं भाई अभी हम आ जाए कटरा में और रहने का सीन हमारा ये रहेगा, ये ट्रैक थोड़ा ना बेकार है, इस बेकार से ट्रैक को हम लोग अच्छा तो नहीं कर सकते ना भाई, बिली नहीं मार सकते इस पे क्योंकि यार सही नहीं लगता ना ऐसे टूटे हुए ट्रैक पे मारना। और एक छोटे छोटे भाई लोगों की ऑन डिमांड पे हम लोग जा रहे हैं कटरा की साइड में, बाकी अभी हमारा ये है हाईवे 4 लाइन रोड है। मेरे हिसाब से स्टंट का परफॉर्मेंस इस ट्रैक पे अच्छा होना चाहिए। अरे अम्मा साड़ी सही कर लो, साड़ी पीछे सही कर लो। शायद इसका जो था गोप्रो था उसका क्या हुआ, डाउन हो गया वो वाला, तो उसको फोन निकाल फोन लगाओ भाई का, हमारा जो है गोप्रो डाउन हो गया। कोई बात नहीं, बैटरी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, इस पे पीपीएफ कराना ठीक है, चलेंगे किसी दिन फ्री होकर 10 तारीख के बाद में चलेंगे। बाकी भाई का हमारा जो है सेटअप चेंज हो चुका है क्योंकि गोप्रो जैसा डिस्चार्ज हो गया था बैटरी, लेकिन यहाँ तो एक्सटर्नल वाली बैटरी थी। बाकी हमारी तीनों बाइक इधर की साइड में लगी हुई है और फिर हम लोग जो है फटाफट अब यहाँ से निकलेंगे क्योंकि हमारे पास में टाइम बचा हुआ है 18 मिनट का, और 18 मिनट में मान के चलो, और 18 मिनट की दूरी आप मान के चलो लगभग मेरे को यहाँ से जाना है 15 किलोमीटर के अप्रोक्स में, तो 15 किलोमीटर की दूरी को मान के चलो हमें 30 मिनट में कवर करना है, बट हम लोग 30 मिनट नहीं 20 मिनट में कवर करना है, बट नॉर्मली जाएंगे ज्यादा स्पीड में नहीं जाना क्योंकि खैरपुर के पास में जस्ट पेट्रोल पंप यहाँ पे हम लोग खड़े हुए और यहाँ से निकलना है। भाई अरुण भाई हमारे मस्ती कर रहे हैं, अभी मस्ती कर लो, हम कहेंगे हमारी बाइक बंद हो गई है कृपया पैदल धक्के लगा के चलिए। तो गाइस अभी हमारी दूरी आप मान के चलो लगभग। और बाकी अभी हमारा भाई खैरपुर चौराहे पे, और एक भाई हमारे आने को था बट अभी तक आया नहीं है यार, टाइम भी मैंने उसको बताया था कि भाई लगभग मान के चलो कि 8:30 बजे के टाइम पे मेरे को यहाँ मिलना, अगर नहीं मिलेगा तो भाई रुकने का तो आपको पता है मेरे पास टाइम ही नहीं है, बट हाँ रिएक्शन का टाइम है। तो गाइस फटाफट
ये देखो मस्ती देखो भाई, फुल मूड में है भाई। और अभी हमारा एक ये रहा, दोनों फुल पावर चल रहे हैं अभी अभी। रिएक्शन 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 लोग शौक हो जाते हैं भाई कि बाइक एक पहिए पे चल रही है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और सामने ट्रैक्टर वाले भैया का रिएक्शन चेक करना भाई, उन्होंने फोन निकाल लिया वीडियो के लिए। ये देखो इनको एक वीडियो बनवा देते हैं फिर। अगर ये यहां तक लेके आ जाएंगे तो सही है, रिएक्शन इनको मिल जाएंगे, बाकी नहीं। तो आगे से चल के लेफ्ट जाना है हमें, ठीक है, कांठ वाले रोड पे। बाकी ये हमारा मंदना पुल वाला चौक है, इस तरह से हम लोग जाएंगे सीधे की लेफ्ट साइड पे। ये देखो भाई, बाकी उसके बाद में देखते हैं फिर किधर जाना है मेरे को। पहले रोक के ना यहाँ पे पीछे रोकेगा, क्या ना गाड़ी है गाड़ी। रिएक्शन देखो भैया लोगों के, अरे बाबे पूरी पब्लिक खड़ी हो गई यार, देखो फुल पब्लिक यार। कांठ वाला रोड, यही कांठ वाला, कांठ वाला रोड ये। हम तो यार यही खुदागंज रहते हैं, खुदागंज खुदागंज जी, वो उठाने वाली नहीं है अभी, उसकी सर्विस नहीं है। उसका बाहर ज्यादा है ना, चला जाएगा वो। क्या दिखा दें, अरे सीख रहे हैं अभी हम। साइड पे लगाओ, साइड पे नहीं, वो भी नहीं, अभी नहीं है ना वो रोड पूरा ना जाम कर दिया भाई। इधर देखो भैया लोगों के रिएक्शन चेक करो यार, यही तो दिक्कत है भाई, क्योंकि ये चीज ऐसी है। भाई रिएक्शन तो बम्पर मिलते ही मिलते हैं। वो ट्रैक्टर आ गया पिछली बार, चलो एक बार अच्छा इनकी वीडियो ना रिकॉर्ड करवा के उसके बारे में यहां से पूरा ट्रैक ना वापस लेते हैं यार, क्योंकि फिर यहां पे जाम लगेगा, दिक्कत होगी। यहां से नहीं मैंने पता, देख रहे भाई। बन गई भैया बन गई। ये वाले को दूसरी बार लाएंगे, जितने उठने उठाएंगे उठ तो जाएंगे, सब जाएंगे। दिक्कत ये है ना कि रोड उस वास्ते नहीं है यहाँ पे। लोग हाँ 30,000 होने वाले हैं जी।
बाकी यहाँ से तो मैं बता दूं कि ये वाला हमारा ट्रैक है ना, कांठ वाला रोड है। बाकी अभी देखते हैं हम लोग यहाँ से वहाँ तक कहाँ तक जाते हैं, तो मेरे को खुद ही कंफर्म नहीं है। बाकी पहले तो कुछ प्लान देखते हैं। जो दिक्कत बताई थी ना पहले, वो दिक्कत यही देखो है, हर जगह पे गायें ना होती हैं, इनसे बहुत बच के चलना पड़ता है, क्योंकि जरा सी लापरवाही में आप ये मानो कि आदमी की जिंदगी ना खत्म हो जाती है। सो फाइनली मैं बता दूं कि अभी हम लोग खड़े हुए हैं, जस्ट हमारी जो लोकेशन है ये है कांठ रोड पे, और हम लोग खड़े हुए हैं शायद बरी गाँव से आगे। तो बरी खास जो गाँव है यहाँ से शायद ऐसे होगा 1 किलोमीटर का अप्रोक्स होगा। बाकी ये देखो हमारे एक भैया आ गए हैं, उज्जवल भैया, जो कि बहुत दिनों से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब हर जगह पे। बाकी इधर लगी है अर्जुन भाई, और एक देखो ये है हमारे उज्जवल भैया, ठीक है, ये बहुत ज्यादा सपोर्ट में बहुत दिनों से मुझे बुला रहे थे। तो बाकी आज हम लोग मंदनापुर आए हुए, और ये लोग तो भाई आपको जानते ही होंगे, इनको शायद भूले नहीं होंगे। तो और बाकी ये देखो हमारे दीप भाई, कैसे हो भाई, और इनके पास में है कौन सी मोटरसाइकिल है ये। सो गाइस ये आप लोग कमेंट करो, पल्सर की बाइक है, मैं नहीं बताऊंगा इसका नाम, और आप लोग मेरे को जाके कमेंट में बताओ कि ये बाइक है कौन सी, क्योंकि मेरे को नहीं पता ये बाइक कौन सी है। सीसी भी बता दो भाई, सीसी भी मुझे नहीं पता। सीसी का मतलब क्या था, चार्जिंग भाई। सीसी का मतलब हम तो सीसी का मतलब हमारे देखो जो दुकान पे हम जहाँ काम करते हैं, तो वहाँ का सीसी का मतलब चार्जिंग कनेक्टर होता है, ठीक है। तो भाई ये आप लोग कमेंट भी करो कि भाई ये कितने सीसी में है, और अकाउंट वगैरह जो है शायद हर किसी की बाइक पे मेंशन होगा, तो एक बार मैं पास से कर देता हूँ। ये देखो ये भाई का अकाउंट है हमारे डीप राइडर 08, ठीक है, यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है, और बाकी आगे मैं दिखा दूँ। हमारी वाले तो छोड़ ही दो यार, टूटी फूटी बाइक है। ये हमारी अरुण भाई की बाइक है, द अरुण RR 310। ये भाई का अकाउंट है इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब, सब कुछ यही है। ये हमारा अर्जुन भाई का, देखो भाई, ठीक है, ये अर्जुन सिंह UK 03। भाई को जाके सपोर्ट करो, और प्रॉपर हम लोगों की जो लोकेशन होगी ना, धीरे धीरे करके हम लोग दूरी के हिसाब से बढ़ाते जाएंगे। अभी एकदम से लॉन्ग नहीं जाना, क्योंकि आपको पता है मेरे को ड्यूटी भी करनी पड़ती है। अब भाई लोग जितने भी है ना, सब कोई ना कोई अपनी ड्यूटी करता है, जिसकी वजह से इनको टाइम जो ना खराब नहीं होता, और मंडे टू मंडे हम लोग जाया करेंगे। बस इसके बीच में भी प्लान बनेगा तो वो भी जाएंगे।